गेल्या 40 वर्षात अशी एकही निवडणूक नाही जी नेताम लढलेले नाहीत. आमचे प्रतिनिधी विनोद पाटील यांनी नेताम यांच्याशी बातचीत केली. आपल्या सोबत आहेत नेतामजी. नेतामजी हमें बताइए, हमने सुना है कि आप बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं. आप कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं और ये कितवा चुनाव है आपका? जी हाँ, 6 बार विधानसभा हुआ है और 1 बार लोकसभा लड़ा हूँ. आप अभी आप बोले कि 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आप बार बार चुनाव हार जाते हैं फिर भी आप चुनाव लड़ते हैं, ऐसा क्या स्पिरिट है कि आपको वो चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करता है और आप क्यों बार बार चुनाव लड़ते हैं? जी हाँ, ये एक मेरे अंदर की जो भावना है, जो एक सत्ता के गलियारे में रह करके ऐश करने की वो बात नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर एक समाज सेवा की भावना है, क्षेत्र के विकास की भावना है, इसलिए मैं बार बार चुनाव लड़ता हूँ. आपको लगता है आप इतने बार चुनाव हार के भी जनता आप पर विश्वास जताएगी, आपको चुन के देगी? जी हाँ, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है 1977 का, जब इंदिरा जी को हरवा कर जनता पार्टी जो बनी थी नई वो चुन के आई और हमारे अगन सिंह जी यहाँ सांसद चुन के गए, जिनके पास कुछ भी नहीं थे, वही स्थिति मेरे पास धन की कमी के कारण. परंतु जनता का विश्वास जब 77 में भी जता सकती है तो 2013 में भी जता सकती है, ये विश्वास में. अभी नोटा का एक ऑप्शन आया है और लोगों के पास एक विकल्प है कि वो नोटा को भी चॉइस कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को, जिन्होंने नोटा का लाए हैं और उससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी. ये बहुत ही अच्छा निर्णय है. आपको लगता है भ्रष्टाचार में कमी आएगी, आप विश्वास से कह रहे? जी हाँ, बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो खर्चों का जो हिसाब मांगा है, अभी हर गली में जाकर के उनके आदमी तैनात हैं और हर चीज का वो फोटोग्राफी और सारी बातें रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो निश्चित ही उसमें कमी आएगी भ्रष्टाचार में. इससे पहले अपने नॉमिनेशन फॉर्म भी भरा होगा, तो हमने सुना है कि उसके लिए भी आपको पैसे उधार लेने पड़े, तो इसके बारे में क्या? हाँ, क्योंकि पैसे तो है नहीं, पर मेरे चाहने वालों ने फिर व्यवस्था किए 5,000 रुपये का और फिर भरा गया वो अमाउंट और फिर फार्म भरे उसमें फिर. कि नेताम हे अतिशय त्यांच्यामध्ये दुर्दम्य विश्वास आहे आणि निवडणूक आपण जिंकूच आणि सामान्य माणसाचा आवाज आपण थेट सरकारपर्यंत पोहोचू असा त्यांना विश्वास आहे. झी मीडियासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमेश भालेरावसह विनोद पाटील, बस्तर. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.